हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं अंजनी, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं आलू और पालक की सब्जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है। आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने गैस को ऑन करेंगे। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ठंड के मौसम में जो होते हैं, जो सरसों का तेल अगर आप यूज करते हैं तो बेटर होता है स्वास्थ्य के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ। वैसे आप अगर कोई भी तेल चाहे तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो तेल है उसको गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं जीरा। यहाँ पर मैं लगभग हाफ से वन टी स्पून जीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारा जीरा जो है वो चटकने लगा है, तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और मैंने बारीक ही लहसुन को भी काट लिया है। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को इसमें डाल देती हूँ। हमें इन सभी चीज़ों को बिल्कुल हल्का भूनना है। प्याज जो है तो हल्का सा आप देख रहे हैं कि भून चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने आलू को काटा है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो अब मैं इस आलू को इसमें डाल रही हूँ। आलू को आप चाहे तो अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं एक साथ इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है और हम सभी चाहते हैं कि ठंड में कोई ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो कि फटाफट बन जाए। तो इसलिए मैं एक साथ ही भून रही हूँ, इससे हमारा टाइम बचेगा और ये फटाफट हमारी जो है तो सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो जब तक ये प्याज भुनेगा, गोल्डन ब्राउन होगा, तब तक ये आलू भी हल्का सा भुन जाएगा, तो हमें इसे हल्का सा भून लेना है। तो प्याज के साथ साथ हमारे जो आलू हैं वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इसे जो हमारी सब्ज़ी है उसका टेस्ट जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने सारे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, इसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ मैं लगभग 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। कटा हुआ टमाटर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पालक। पालक को महीन काट करके मैंने उसे अच्छी तरह से धो दिया और फिर उसे किसी ऐसे बर्तन में डाला जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। तो पालक को आप बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं ताकि हमारा आलू पक जाए। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक जो है सो पानी छोड़ता है। हम इसे ढक जब देंगे ना तो 10-15 मिनट में हमारा पालक गल जाएगा और उसमें से जो पानी निकलेगा उसी से हमारा आलू पक जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारे आलू पालक की सब्जी तैयार हुई है कि नहीं। हमारा पालक तो अच्छी तरह से गल चुका है, हम देख लेते हैं कि हमारा आलू पका है या फिर नहीं। ये देखिए, हमारा आलू भी पक चुका है। हमारा आलू भी पक चुका है, तो हमारी आलू पालक की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें इसे।